Gamers, my name is and to new of लिया है और आज की वीडियो में हम खुद से हमारा को हैंडल करने वाले, तो, देखो, ट्रेनिंग वाले वीडियो में ही थाट सी so, देखते आज हमको क्या करना है एंड आज का चैप्टर है फेक हेल्प नाम से और आज हमको जोर्ज पेट्रो नाम का जो ऑफिसर है वो आई थिंक हमको आज ऑर्डर देने वाला है याडर्स देगा या बट आज हमको करना क्या है यहाँ एक साइन आ रहा है देखते क्या हो रहा है डर द किंगडम ऑफ एरकाईज कमेटेड नेटरल फॉर द सेक ऑफ दिटीजन मस्ट नॉट अलाउ देर गुड टू क्रॉस द बोर्डर्स ओके तो जो लोग किंगडम ऑफ एरकाई से आने वाले हमको अपने सिटी के अंदर एंटर नहीं करवाना है लेकिन ये कार को चेक करने से आज का पहला शॉर्ट आउट जाता है सुमित झाकर को एंड सेकंड शार्ट आउट जाता है दानिश अली को थैंक यू सो मच गाइड फॉर कॉमेंटिंग ऑन माई वीडियो अगर आपको भी शॉर्ट आउट चाहिए नीचे कॉमेंट कर दो नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको शार्ट आउट मिल जाएगा नाउ लेट सी अभी इसकी गाड़ी चेकआउट करते हैं ये सबसे पहले देखना पड़ेगा ये से आ रहा है सर आपके डॉक्यूमेंट चाहिए मुझे लेट्स ये बंदा से आ रहा है न, ओ किंगडम ऑफ से आ रहा है <laughs> भाई तो इसको हमको जान ही नहीं देना है सबसे पहले इसका नाम वगैरह मैच करते हैं देन पासपोर्ट नंबर मैच करते हैं पासपोर्ट नंबर मैच हो रहा है देन इसका वैलिडेशन हो रहा है आज 21 अप्रैल है ये भी मैच हो रहा है रीजन इसका टूरिज्म है बट uh, आप जा नहीं सकते सर और ये इसका इसके अंदर सोप वगैरह लेके जा रहा है लगेज वगैरह तो मुझे आई थिंक वो भी चेक करना पड़ेगा सर आप एक काम करो कार से थोड़ी देर के लिए बाहर आओ मुझे थोड़ा सा चेकिंग करना है आप एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें लेके जा रहे हो वैसे इसको हमको जाने तो नहीं देना है बट हमारा जो काम है वो तो हमको करना ही पड़ेगा तो ये सारे के सारे चीज़ें लेके चलता हूँ मैं सोप वगैरह इतने सारे कहाँ लेके जा रहा है ये ये लगेज वगैरह भी है दो तीन लगेजेस लेके जा रहा है ये बंदा पता नहीं इतनी सारी चीज़ें कहाँ लेके जा रहा है और यहाँ पे ये बोरिया है ओके okay, सीरियल के पैक्स आई थिंक ये कुछ एंड यहाँ पे भी एक लगेज था मे बी सारी चीज़ आई थिंक मैंने चेक कर लिया बट ये बंदा किंगडम ऑफ एरकाई से आ रहा है तो इसको हमको मतलब हम इसको जाने नहीं नहीं दे सकते तो एंट्री रेगुलेशन यहाँ पे मुझे मार्क करना पड़ेगा दैट्स वाई ये बंदा जा नहीं सकता बाकी तो इसका सब कुछ क्लियर है तो या मैंने मार्क कर दिया एंड नाउ लेट्स सी सर सो सॉरी आप जा नहीं सकते हैं यूर एक्स डिनाइड ये वापस चला गया एंड ओके हंड्रेड डॉलर्स मिल गए परफेक्ट इंस्पेक्शन नाउ सर प्लीज़ कार से एक बार बाहर उतरो मुझे अभी इसकी पूरी कार को चेक भी करना पड़ेगा एक बार देखते क्या लेके जा रहा है वैसे वो काफ़ी सारी चीज़ें लेके जा रहा है ये ये एकारी से आ रहा है ठीक है तो अभी सबसे पहले इसका नाम मैच करते हैं देन पासपोर्ट नंबर मैच करते हैं मैच हो रहा है देन वैलिडिटी आ, मैच है तो ये गैस रेंज एक है एप्पल के कैरेट लेके जा रहा है ऑयल बैरल कॉफ़ी सैक रेफ्रिजरेटर एंड सीमेंट की सत्रह बोरी है ओके okay, काफ़ी सारी चीज़ें लेके जा रहे हैं सो लेट्स अभी सबसे पहले सारी के सारी चीज़ें इसके चेकआउट करते हैं या मैं सबसे पहले नीचे उतारूँ इनको मैं सोच रहा हूँ नीचे उतारते हैं क्योंकि अगर कुछ गलत ले जा रहा होगा ना तो चेक करने में आसानी होती है तो ये सारी चीज़ों को मैं एक बार नीचे उतार देता हूँ तो अभी जाके हम इन सारी चीज़ों को यहाँ पर मार्क करेंगे रेफ्रिजरेटर आ गए ये इतनी सारी बोरियाँ सीमेंट लेके जा रहा है देन यहाँ पर थोड़े से और रेफ्रिजरेटर है या आई थिंक वो सेरल है जो भी बोलते हैं उसको एंड ना हो थोड़े से और सीमेंट के बैग्स थोड़े से और सत्रह बैग्स आई थिंक टोटल सीमेंट्स के एंड ये बैरल है ऑयल के तीन बैरल से यहाँ पे एंड ये आई थिंक एप्पल के कैरट्स हैं या इनको भी मैंने चेकआउट कर लिया लाइट कौन करते यहाँ कही पे कहीं पे स्नैक बना है क्या स्नैक बना है तो मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर भी लोग चीज़ें ले जा सकते हैं फ्रिज वही इसको ओपन भी कर सकते हैं लोग भाई अच्छा हुआ भाई इसको ओपन करके मुझे हर बार देखना पड़ेगा कहीं पे है क्या स्नक का साइन बना हुआ अगर स्नाइन बना होगा कहीं पे सांप का ये इसको ओ इसके अंदर भी गए, भाई लोग चीज़ें ले जा सकते हैं भाई मुझे हर बार ना चेक करना पड़ेगा वैसे कॉन्ट्रामाइड तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इसका आई थिंक सब कुछ क्लियर है आ, तो ऑफिसर सब कुछ कार के अंदर वापस रखवा दो तो ये कार को वापस रिटर्न कर देगा एंड नाउ अभी देखते हैं मुझे तो लग रहा है ये बंदा क्लियर है यार सही है आप सर जा सकते हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आप ईमानदार आदमी लगते हो सही है ना यार सही है हंड्रेड डॉर्स मिल गया और दूसरी गाड़ी भी आ चुकी है सर आई वॉन्ट योर डॉक्यूमेंट्स बट उससे पहले एक बार कार से बाहर उतरो ये इसका हुड ओपन करके देखते हैं कहीं पे स्नाप वगैरह बनाएगा नहीं तो मैं इससे ट्रेड कर सकता हूँ क्या ना यार ये बंदा ट्रेड नहीं करेगा मुझे थोड़ा सा ट्रेड करना था बट एनी अभी देखते हैं यहाँ से इसके ये आ जाएंगे डॉक्यूमेंट्स ये दो गोड्स को लेके जा रहा है आ, ये किंगडम ऑफ एयरकाई से तो नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है तो इसका नाम मैच करते हैं नाम मैच हो रहा है ट्रा ये पासपोर्ट नंबर मैच हो रहा है एंड वैलिडेशन इसका सही है और दो गोड्स को लेके जा रहा है लेट मी चेक भाई साफ साफ झूठ बोल रहा है तू यहाँ पे एक ही गोट है भाई <laughs> यार क्या झूठ बोलेगा तू इंस्पेक्शन में ये मार्क करना पड़ेगा इसने दो बोला है और एक ही गोट है तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट में आके यहाँ पे आ, कार्गो लिस्ट करना पड़ेगा आई थिंक एंड डिनाई आप जान सकते सकते आप गलत बोल रहे हो वैसे मैंने सही करा है ना एंड ये इसकी टोपी मेरे को काफी सही लग रही है ये चला जाए यहाँ से ओबे उसको अरेस्ट कर उसको अरेस्ट करना था भाई थोड़ी भी अगर गलती हुई ना तो मुझे उसको सीधा अरेस्ट ही करना पड़ेगा तो ठीक है इससे ट्रेडिंग तो नहीं कर सकते डॉक्यूमेंट्स दिखाओ सबसे पहले या ये नेसेसरी है मेरे से सवाल मत पूछ जितना बोला है उतना कर सबसे पहले नहीं ये किंगडम ऑफ अरकाई से जा रहा है इसको हम जाने नहीं दे सकते इसका पासपोर्ट मैच करते हैं पासपोर्ट मैच हो रहा है न, मिस ओ पासपोर्ट मिस मैच हो रहा है वैलिडिटी वैलिडिटी ठीक है इंट्री रीजन ट्रेड बता रहा है बट इसका सीधा पासपोर्ट ही गलत है और ये फर्टिलाइजर लेके जा रहा है डिटर्जेंट टॉयलेट वॉशर और रेफ्रिजरेटर तो इंस्पेक्शन में पासपोर्ट नंबर मैच नहीं हो रहा वो तो है तो अभी एक काम करते हैं अभी इसकी कार के अंदर जाके देखते हैं खोल भाई और जितनी भी सारी चीज़ें हैं मुझे उनको अनपैक करना पड़ेगा यार ये हर बार करना तो पड़ेगा हमको क्योंकि हमारा ड्यूटी है सबसे पहले मार्क करेंगे एंड देन एक बार वो लाइट भी डाल के देखेंगे यूवी लाइट लगभग मैंने सारी चीज़ें चेकआउट कर ली और अभी एक बार वो लाइट डाल के देखते हैं यू लाइट्स कहीं पे साफ बनाएगा रेफ्रिजरेटर uh, खोल के देखते हैं नीचे कुछ नहीं है वॉशिंग अरे वॉशिंग मशीन है वॉशिंग मशीन के अंदर भी कुछ नहीं है टॉयलेट के अंदर कुछ है क्या होगा यार डेफिनेटली मतलब जैसे हम गेम को आगे आगे लेके जाएंगे ना डेफिनेटली ये वॉशिंग मशीन के अंदर इसके अंदर भी कुछ होगा तो ठीक है इसके अंदर कुछ भी नहीं है बट ये बंदा जो है वो किंगडम ऑफ अरकाई से आ रहा है तो हम इसको जाने नहीं दे सकते सो so, ऑफिसर सारा कार्गो अंदर लोड कर दो वापस से तो ये कार्गो को लोड कर देगा एंड ना चार डिटर्जेंट नो फर्टिलाइज़र एक टॉयलेट बोला इसने दो वॉशर है एंड एक रेफ्रिजरेटर तो ये तो सब कुछ ठीक है बट आप किंगडम ऑफ अरकाई से आ रहे हो तो एंट्री रीजंस की वजह से हम आपको जाने नहीं दे सकते आई एम सो सॉरी तो ये बंदा वापस चला जाएगा एंड आई होप मैंने इस बार सही करा है क्योंकि इस बार मैंने इंस्पेक्शन रिपोर्ट में भी मार्क करा है प्लीज़ सही या परफेक्ट इंस्पेक्शन आ गया भाई और अभी आज की आखिरी गाड़ी बची है एक और प्यारी छोटी सी गाड़ी आई है ये बंदा इतनी छोटी गाड़ी में क्या कर रहा है पता नहीं अभी इसका सबसे पहले पासपोर्ट मांगते हैं आई मीन डॉक्यूमेंट्स दिखाओ Uh, ये किंगडनम ऑफ अरकाई सर आप जा नहीं सकते सीधा सीधा ये वही से आ रहा है बट मुझे पासपोर्ट वगैरह भी देखना पड़ेगा अगर कुछ मिसमैच है सीधा हम अरेस्ट करेंगे uh, ये वैलिडेशन ये वाले यहाँ से होगा मैच भैया ये ये यहाँ से आने में टाइम लगता है मैच सब कुछ मैच है uh, बट ये किंगडम ऑफ अरकाई से आ रहा है तो यहाँ पे एंट्री एलिगेशन में डाल के हम इसका अप्रूव डिनाई दि, कर देंगे वैसे कार में कुछ ले जा रहा है कहीं लेट मी सी एक बार वो भी देखते दे, हैं क्योंकि भाई कई बार लोग यू नो इसी छोटी सी कार में भी कुछ ले जा सकता है ये बंदा Uh, कहीं पे साफ बनाए क्या hmm, नहीं बनाए मे बी इज ऑल क्लियर ऐसा मुझे लग तो रहा है तो मैंने पूरी कार को चेक कर लिया है uh, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है बट uh, ये बंदा किन ऑफ एरकाई से आ रहा है तो इसका एक्सेस डिनाई करना पड़ेगा

तो अभी हमको ऊपर से ऑर्डर्स मिले कि जेल के अंदर जितने भी कैदी है उनको अभी मुझे आ, उस जगह पे लेके जाना पड़ेगा ये लेबर कैंप में बट यार ये बंदा क्या तो मैंने सही करा था ना वो किंग ऑफ एयर का इसी तो आया था ये गलत क्यों हुआ ओ वेट हमको बस कार्गो जाने नहीं देना था मतलब नॉर्मल लोग तो जा सकते थे, थे ना क्योंकि ये बंदा तो कुछ भी कार्गो लेके जा नहीं रहा था ठीक है कोई बात नहीं अभी सीधा चलते हैं जेल में हमारे पास टोटल तीन कैदी है और अभी हमको इनको लेके जाना पड़ेगा Uh, दूसरी जगह पे तो यहाँ से आई थिंक हम इनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं ट्रांसफ़र टू तो पुलिस कार वो ये गायब हो गया जिनकी तरह ठीक है सारे क्रिमिनल्स को मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ uh, हमारे पुलिस कार में uh, सारे क्रिमिनल्स को मैंने uh, ट्रांसफ़र कर दिया अपने कार में तो अभी सीधा वहीं पर चलते हैं हमारे लेबर कैंप में ये पुलिस वाला मेरे साथ आएगा क्या एंड वेट गाइज एक और चीज़ एक और चीज़ मेरे पास आई थिंक uh, ये जो थे ना ड्रग्स वगैरह मे भी मुझे इनको भी वहीं पे कहीं पे छोड़ना पड़ेगा या देना पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है तो स्टोरेज रूम के अंदर अपने वेयर हाउस के अंदर काफ़ी सारे ड्रग्स थे ये सारे के सारे जो ड्रग्स है मुझे उनको भी लग रहा है ना वहीं पे कहीं पे देना पड़ेगा क्योंकि ये हम इनको स्टोर तो नहीं कर सकते अपने पास इसके आई थिंक पीछे ड्रग्स को स्टोर करना होता है आ, या यहाँ पे या ये सारे ड्रग्स को मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर देता हूँ सिगरेट्स वगैरह सिगरेट्स रहने दो क्या मैं क्योंकि यार कई बार मैं ट्रेड भी कर सकता हूँ तो सिगरेट्स को मैं रहने देता हूँ बाकी की चीज़ें यहाँ पे रहेगी कोकेन वगैरह एंड वे सीधा ये पुलिस कार लेके चलते हैं लेबर कैंप में आ, कार को ऑन कर दो लाइट भी ऑन करना पड़ेगा मुझे आई थिंक क्योंकि अभी अंधेरा होने वाला है या अंधेरा तो होने वाला है और एक बार अभी मैप में देखते हैं हमको जाना किधर है आ, ले वेट लिविंग द आउटपोस्ट पोस्ट ओबेर रैन को नाम की गैंग है दे विल ट्राई टू रिकैप्चर देयर कॉमरेड्स ओके और रिक्लेन देयर स्टोलन गुड्स तो भाई ये गैंग से हमको ध्यान से बचना है तो लास्ट वाले वीडियो में आई थिंक इन्हीं गैंग के मेम्बर्स ने हमारे ऊपर अटैक करा था तो ठीक है वेन यू एनकाउंटर देम यू कैन रन अवे और फाइट विद टू गेट एडिशनल रिवॉर्ड उसको अगर उनके साथ हमने फाइट करा तो हमको रिवॉर्ड भी मिलेगा तो ठीक है समझ गया है। हमें हमको किधर जाना है इधर से या इधर से आई थिंक लेफ्ट लेना है हमको या लेफ्ट ले लिया मैंने और अभी सीधा चलते हैं हमारे लेबर कैंप में और वहाँ पे जाके ये सारे के सारे जो क्रिमिनल्स हैं उनको हम वहाँ पे जाके भेज देंगे ओ सामने की तरफ एक मोटेल है तो आई थिंक यहाँ पे भी हम कुछ कर सकते हैं वेट भाई अटैक हो रहा है जाना पड़ेगा हमको उस जगह पे लेबर कैंप में नहीं तो ये लोग क्रिमिनल्स को छोड़ के लेके जाएंगे अभी इधर से किधर जा रहे हैं मुझे पता नहीं है बट यहाँ से जल्दी से निकलो भाई भाई भैया आ गया आई थिंक लेबर कैंप आ चुका है गेमर्स ओके लेबर कैंप आ गया गेट ऑटोमेटिकली ओपन हो गया अभी जल्दी से चलते हैं और ये क्रिमिनल्स को वहाँ पे जाके मैं छोड़ देता हूँ लेबर कैंप पे हम लोग आ चुके हैं अभी यहाँ पे कार को रोकते हैं क्रिमिनल्स तो है ना एक बार मैं देखता हूँ इंजन को ऑफ करते हैं और ये दरवाज़ा अभी दरवाज़ा टूट गया कार का आई मीन वॉट द फ्लिक ये क्या था भाई क्रिमिनल्स तो है ना कार के अंदर लेट मी चेक तीनों क्रिमिनल्स चाहिए मुझे या तीनों क्रिमिनल्स है मुझे लगा कोई भाग जाएगा बट ठीक है भाई क्रिमिनल्स तो है तो so, सर इसको क्या बोलेंगे ट्रांसफर ऑल द प्रिजनर्स या प्रिजनर्स को ट्रांसफ़र कर दिया और इसको तीन सौ डॉलर्स मिल गया मुझे परफेक्ट वी आर ऑलवेज नीड्स न्यू हैंड्स टू वर्क तो ये ये लोग यहाँ से इनसे काम करवाएंगे मैं भी बहुत सारा और एक बार देखता हूँ मैं यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है देखो क्रिमिनल्स काम कर रहे हैं ये सामान उठा के यहाँ पे लेके जा रहा है एक क्रिमिनल था मे बी यहाँ पे देखो वहाँ पे लोग भाई इनसे काम करवाया जाता है मजदूरी पत्थर तोड़े जा रहे इन लोगों से मतलब देखो दो तीन तीन चार क्रिमिनल्स है यहाँ पे देखो मेरी कार की एक हेडलाइट टूट चुकी है सामने वाला शीशा टूटा है दरवाज़ा भी टूट गया अभी तो ठीक है भाई अभी वापस से अपने बेस पे वापस चलते हैं एक बार देखता हूँ मैं आ, मुझे कहाँ पे जाना चाहिए अभी पुलिस बेस यहाँ पे है फाइव मिनट लेते पुलिस बेस आ गया ये तो क्या मुझे यहीं पर वो चीज़ें देनी है इन लोगों को जो ड्रग्स वगैरह है मेरे पास लेट मिस सी उतर के देखते हैं इंजन को ऑफ़ करो ओके इंजन को ऑफ़ कर दिया मैंने लेट्स सी वो ड्रग्स वगैरह जो है मेरे पास वो मैं वो मुझे कहाँ पे देना है इससे तो मैं बात नहीं कर सकता यहाँ पे कोई ऑफिसर वगैरह है क्या ये एक बहुत बड़ा स्टोरेज रूम जैसा वेयर हाउस है भाई काफ़ी बड़ी जगह है ये मे बी इस ऑफिसर को हमको वो चीज़ें देनी है हेलो ऑफिसर हेलो कमांडर हाय अबे यार उठना ये इतना ऐसा पीछे क्यों बैठा है ट्रांसफर हाँ ट्रांसफर ऑल द कॉन्ट्रा बैंड मुझे बस छः डॉलर्स मिल गए हैं अरे भाई तो फ़ायदा ही क्या उसका बस छः डॉलर के लिए मैं इतनी दूर आया था क्या और वैसे भी मेरे पास जो चार सौ डॉलर थे उनमें से बस दो सौ पचास डॉलर से ही बचा है ओ वो मुझे लोगों के सैलरीज वगैरह देने पड़ते हैं ना आई थिंक अभी बारह बज चुके होंगे या भाई अभी रात के डेढ़ बज रहे हैं तो मतलब हर रात को बारह बजे मुझे हर एक का पेमेंट करना बहुत मतलब करना होता है सोने से पहले तो आई थिंक ये गेम ऑटोमेटिकली पेमेंट कर देती है तो ठीक है भाई पेमेंट भी कर दिया मैंने और अभी सीधा इधर से आउच कुछ टूटा फूटा पिछली वाली बैठी काश टूट चुकी है भाई मेरी कार की हालत बहुत ख़राब है अभी जल्दी से अपने बेस पे चलते हैं मुझे सोना भी पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें करनी है काम भी करना है हम लोगों को सो गेमर्स फाइनली हम अपने बेस पे वापस आ चुके हैं और कार को मैं यहाँ पे पार्क कर देता हूँ ठीक है कार को पार्क कर दिया इंजन ऑफ कर देते हैं वेलकम कमांडर या भाई कमांडर वापस आ गया <laughs> अभी जल्दी से जाके सोते भाई बहुत नींद आ रही है मुझे एंड है यू गो गुड नाइट गेमर्स लेट्स गो एक और रात बीत चुकी है गुड मॉर्निंग गेमर्स नई सुबह हो चुकी है कमांडर आई होप यू स्लेप वेल आर यू रेडी फॉर अनदर डे एट वर्क या आई एम रेडी फॉर अनदर डे ऑफ वर्क ये हमारा दूसरा दिन है काम पे अभी देखते हैं हमको बाकी की कार्स को चेक करना पड़ेगा ये एक ट्रक आ रहा है हेलो सर इस बार कितनी गाड़ी आ रही है वैसे ज़्यादा नहीं तीन ही गाड़ियाँ तो ठीक है तीनों कार्स को चेक करते हैं हेलो सर प्लीज गिव मी योर डॉक्यूमेंट्स प्लीज़ uh, सर से काम कर कार से नीचे आ जा तू किंगडम ऑफ एयरकाई से ही आ रही है इसको हम जाने नहीं दे सकते हैं हमको ऊपर से ऑर्डर्स मिले Uh, अभी इसका पासपोर्ट वगैरह पर मैच करते हैं पासपोर्ट मैच हो रहा है uh, ये डेट मैच करते हैं एक बार ये भी मैच है फर्टिलाइज़र लेके जा रहा है टॉयलेट लेके जा रहा है वॉशर लेके जा रहा है बट आप जा नहीं सकते आई एम सो सॉरी सर एक बार इसका ढक्कन ओपन करके देखते हैं सारी चीज़ें मुझे अनलोड करके नीचे रखवाना पड़ेंगी ठीक है वॉशिंग मशीन दो तीन लेके जा रहा है ये ओके वेरी गो एंड या सारी चीज़ें नीचे अनलॉक हो चुकी है लेट मी सी अभी चेकआउट करते हैं रेफ्रिजरेटर दो तीन थे एक टॉयलेट है एक वॉशिंग मशीन है दो तीन और सीमेंट के बैग्स है यहाँ पे थोड़ी सी और है एंड हो गया आई थिंक नहीं ये वाला रेफ्रिजरेटर बचा है ओके okay, हो गया सारे मैंने चेक कर लिए अब एक बार यू uh, लाइट से देखते हैं कहीं पर कुछ है क्या सांप का साइन बना है क्या कहीं पर hmm, टॉयलेट के अंदर कुछ है नहीं कुछ एक सेकेंड कुछ है क्या नहीं है भाई मुझे ध्यान से चीज़ें देखनी है हर बार यहाँ पे भी कुछ नहीं है यहाँ पे भी कुछ नहीं है एंड ये कुछ नहीं है ठीक है एवरीथिंग इज़ फाइन कार के अंदर कहीं पे साफ बनाए क्या कई बार चीज़ें होती है ये क्रिमिनल्स कहीं से भी कुछ भी लेके जा सकते हैं यहाँ पे ओपन करके देखते हैं यहाँ पे कुछ है सर इसको ओपन करके देखते हैं कुछ भी नहीं है आई थिंक ये बंदा ऑल क्लियर है बट आप किंगडम ऑफ एरकाई से आ रहे तो आपको मैं जाने नहीं दे सकता सो आई एम सो सॉरी तो इसको अरेस्ट तो नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरा बंदा क्लियर है एक बार कार्गो को कंफर्म करते हैं फर्टिलाइज़र इसने बोला था एक लेके जा नाइन लेके जा रहे है तो नाइन ये टॉयलेट एक है देन uh, वॉशर दो लेके जा रहा है ये डिटर्जेंट चार बोला था इसने डिटर्जेंट कहाँ गया चार है एंड रेफ्रिजरेटर एक है तो ये पूरा ऑल क्लियर है बट इंस्पेक्शन रिपोर्ट में एंट्री रेगुलेशन की वजह से आप जा नहीं सकते आई एम सो सॉरी सर डी और मैंने इस बार इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी सही से दिया है ओ oh नो no. तो ठीक है इसको भी मैंने कर दिया ये बंदा कार्गो ही लेके जा रहा था लास्ट टाइम मैंने क्या करा था मैंने उसको डि, डि, डिनाई करा था बट उसके पास कोई कार्गो ही नहीं था दैट्स हमारा यू नो हंड्रेडर्स का नुकसान हो गया एक और गाड़ी आ चुकी है इस बार ये बड़ा सा ट्रक लेके आ रहा है सर uh, आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए या इस बार मुझे एट्टी डॉलर्स मिले इसके पेपर्स आ गए सबसे पहले इसका नाम मैच करते हैं नाम मैच हो रहा है पासपोर्ट मैच करते हैं मैच हो रहा है और डेट पासपोर्ट की मैच करते हैं मैच हो रही है तीन पिक लेके जा रहा है तीन चिकन और एक का इसने क्या बोला था तीन चिकन्स बोला था एक काउ तीन चिकन्स और दो दो पिक बोला था आई थिंक करते यही से तीन मुर्गिया है या मुर्गियाँ तो है तीन एंड एक काउ है बट इतनी छोटी काउ कैसे भाई भाई ये क्या लग रहा है ये कितनी छोटी काव है इस गेम में एक बार कार्गो को कंफर्म करते हैं तीन पिक बोला था इसने बट पिक तो एक ही है वहाँ पे तीन चिकन्स बोला था चिकन्स तीन है और काउ तीन बोला था काओ एक है तो ये एक्स्ट्रा पिक लेके जा रहा है मतलब इसने बोला यहाँ पे तीन और एक ही लेके जा रहा है एक ही है ना क्या मैंने गलत देखा है लेट मी What? We are under attack. ओ oh, भाई ये क्या हो गया मेरी गन किधर है या मेरी गन तो मेरे पास है कहाँ पे कहाँ पे ओ वहाँ पे ओ oh, भाई ओके हेड शॉट ओके मुझे थोड़ी सी गोलियों की जरूरत है ओके okay, ये मर गया ओ oh, भाई बहुत सारे क्रिमिनल्स एक साथ आ रहे हैं शूट शूट हेड शॉट लगा उसको आई थिंक शूट अबे मर गया क्या वो ओके okay, मर गया एक एक बंदा इधर है सामने की तरफ बंदा है मेरी क्या अबे गोलियां ख़त्म हो गई भाई मुझे गोलियां देगा कोई ऑफिसर प्लीज़ गोलियां चाहिए मुझे थोड़ी सी यहाँ कही पे कहीं पे गोलियां है क्या यहाँ पे थोड़ी सी एमोज है फाइनली मुझे थोड़ी सी एमोज मिल चुकी है नेक्स्ट सेकेंड चल हेड शॉट हेड शॉट हेड शॉट मर गया ये ओके ध्यान से अभी लोड कर दे रीलोड भाई भाव ओके okay, मर गया आई थिंक अभी बस दो बच्चे ठीक है. है ये भी मर गया। आखिरी बच्चा मर गया आई थिंक ओके सारे मार दिए मैंने भाई अच्छा वो मैंने देखा मेरे पास गोलियां कहाँ पे थी तो ये ओपे रन कोज गैंग था ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिमिनल ऑपरेशन ब्लड लिस्ट तो ठीक है बट मेरे एम्प्लॉयज दो मारे गए थिंक मेरे को भाई नुकसान हो गया ओ oh, भाई दिस भास्टस आर अटैकिंग अगेन दिस टाइम यू हैंडल इट बट बी केयरफुल द अटैक्स मे गेट फूरोस कंसिडर बाइंग तो न्यू वेपन्स एंड इक्विप यूर सबॉर्डिनेट्स टू तो गारंटी द सिक्योरिटी ऑफ यूअर बॉर्डर पोस्ट ओके okay, तो हमको बाकी की चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी फॉर एग्जाम्पल अच्छी गन्स वगैरह हमको बाय करनी पड़ेंगी बट ये वेयर हाउस के अंदर हमेशा गोलियाँ होती है भाई अच्छा हुआ मैंने देखा मेरे पास यहाँ पर ना एमओ पड़ी थी ठीक है भाई अच्छा हुआ मैंने देखा नहीं तो अगर मेरे पास ये एमोज मैंने देखा नहीं होता ना तो भाई डेफिनेटली मेरी वाट लगने वाली थी और ये गैस पाइप का क्या सीन है पता नहीं पोस्ट यहाँ से मैनेज कर सकते हैं हमारे पास कितने लोग हैं ऑफिसर काम करते हैं वो हम यहाँ से देख सकते हैं आई थिंक तो इसको मैं अपग्रेड कर सकता हूँ यहाँ से ओके कि यहाँ से मैं इनको अपग्रेड कर सकता हूँ उसकी हेल्थ वगैरह इसकी सैलरी फिफ्टी डॉलर है ट्वेंटी फाइव डॉलर्स है एंड हमारे पास एक ये वाला बंदा है इसको भी हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं अपग्रेड करने के बाद इनके पास आई थिंक ये जैकेट वगैरह आ जाएगा बुलेट प्रूफ और इसको मैं बाय कर सकता हूँ नया कॉन्स्टेबल हमारे लिए Uh, इसके पास पिस्टल रहेगा इसकी सैलरी ट्वेंटी फाइव डॉलर है बट अभी भी हमारे पास उतने पैसे है नहीं तो हम हायर कहाँ से करेंगे एंड यहाँ से आई थिंक मैं अपनी कार को अपग्रेड कर सकता हूँ छः सौ डॉलर में और अगर मुझे नहीं बाई करनी तो भाई बारह सौ डॉलर में नहीं आ रही है सत्रह सौ डॉलर में टैंक आ रहा है ये हमारा लॉजिंग है इसको भी मैं यहाँ से अपग्रेड कर सकता हूँ छः सौ डॉलर में वो ये पूरा एक घर जैसा हो जाएगा हाँ भाई ये भी बढ़िया है और क्या क्या रहेगा इसमें अपग्रेड वेयर हाउस को मैं अपने अपग्रेड कर सकता हूँ एंड देन प्रिजन को अपग्रेड करके हम बड़ा प्रिजन कर सकते हैं ओ भाई इतनी सारी चीज़ें इस गेम में अच्छा हो मैंने देख लिया तो धीरे धीरे गेमर्स हमको अपने बेस को अपग्रेड करना पड़ेगा अभी दो तीन गाड़ियां बच्चे हैं उनको चेकआउट करते हैं और लास्ट बंदे को जो मैंने चेक करा था उसको मुझे एक्सेस नहीं देना था बट वो वैसे ही चला गया वो भाई बंदों ने अटैक कर दिया ना हमारे ऊपर वो जोकोविच नाम की गैंग भाई वो उस गैंग का नाम मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है तो सर आपका एक बार पासपोर्ट दिखाइए आप क्या क्या लेके जा रहे हो यस ये भी हमारा एकदम परफेक्ट इंस्पेक्शन था नाउ एंड ऑफ वर्क यू कैन रेस नाउ ओके okay, भाई तो ठीक है आज हमने काफ़ी सारी चीजें करी फिर से एक बार आज हमारे ऊपर अटैक हुआ बट हम धीरे धीरे इस गेम को सीख रहे हैं तो नेक्स्ट वाले एपिसोड में मैं सोच रहा हूँ थोड़े से हम नए वेपन्स को बाय करेंगे ताकि हम अपने बेस को प्रोटेक्ट कर सके और अभी सीधा चलते सोने के लिए बहुत ज्यादा नींद आ रही है सो गेमर्स गुड नाइट गेमर्स एंड आज के लिए भी था आई होप हो अपडियो सुना होगा गेम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है एंड गाइज प्लीज लाइक कर वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो पर एम करते हैं लाइक्स की एंड थैंक्स फॉर इन द नेक्स्ट